दिलो दिमाग में घुमड़ते हुए सवालों के जवाब तुम्हें देने ही होंगे। देवा, कौन से सवाल और कैसे जवाब? इस बात का जवाब कि चिता पर पड़े अजगर के मुर्दा जिस्म के साथ तुमने बदसलूकी क्यों की? देवा? और फिर बादल के हाथों तुमने अजगर की लाश को चुनारगढ़ भेजकर उसे खतरे की आंख में क्यों धकेला? देवा, तुम अपने तैश में मेरे साथ काम करने की शर्तों को तोड़ रहे हो। और ज्वाला, तुम अपने सारे बहादुर साथियों की जिंदगी दांव पर लगा रही हो। लेकिन देवा, तुम अपनी शर्तें भूल रहे हो। हमारी पहली शर्त थी कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। सवाल नहीं पूछूंगा तो क्या ये मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुमने शनियों और सुल्तानों को चुनारगढ़ से आजाद क्यों करवाया? नहीं। क्या ये मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुमने शनि को इतनी दौलत का हकदार क्यों बनाया? नहीं। तुमने अजगर को इतनी दर्दनाक और शर्मनाक मौत दी, क्या ये मैंने तुमसे पूछा? नहीं। क्या ये सवाल मैंने तुमसे कभी पूछा है कि अजगर की चिता को तुमने आग क्यों नहीं लगने दी? कोई सवाल न करने की शर्त मुझे अच्छी तरह से याद है ज्वाला। हाँ ज्वाला, लेकिन अब मेरे धीरज और बर्दाश्त का बांध टूट चुका है। देवा, शर्त तोड़कर तुम ज्वाला की दुश्मनी खरीद रहे हो। अगर ये दुश्मनी है तो दुश्मनी ही सही, लेकिन आज मैं ये सवाल पूछ कर ही रहूंगा कि अजगर के साथ तुम्हारी अदावत और दुश्मनी इतनी संगीन क्यों है? देवा, ये ज्वाला का निजी मामला है। निजी मामला? कैसा निजी मामला? अगर इनसे तुम्हारी सीधी दुश्मनी है तो तुम्हें खतरा उठाने की क्या जरूरत है जब देवा मौजूद है? नहीं देवा, इसे तुम नहीं समझ सकते। इस दुश्मनी की गहराई को सिर्फ ज्वाला समझ सकती है, सिर्फ ज्वाला। और इस दुश्मनी को अंजाम भी ज्वाला देगी, अपने तरीके से। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है देवा, तो आइंदा कोई सवाल नहीं करोगे। ठीक है, देवा तुम्हारा साथ भी देगा और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर चुनारगढ़ में बादल पर कोई आंच आ गई तो क्या देवा? तो आइंदा देवा तुम्हारा साथ नहीं देगा। देवा, बादल एक काबिल अय्यार है। चुनारगढ़ में अपनी काबिलियत की ढाल से वो हर आंच का मुकाबला कर सकता है। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो ज्वाला, चुनारगढ़ में काबिल अय्यारों की कमी नहीं, और फिर वो खुराफाती क्रूर सिंह भी तो वहां मौजूद है जो बादल को अपनी साजिशों के जाल में फंसा सकता है। सूर सिंह जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, दरवाजा खोलो। लेकिन हिम्मत सिंह जी का हुक्म है ये द्वार किसी के लिए ना खोला जाए। बेवकूफ, तुम जानते हो किससे बात कर रहा हो? मैं क्रूर सिंह हूँ, खोलो दरवाजा। मुस्ताकी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हम हिम्मत सिंह जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। बेवकूफ, किसी भी हिम्मत सिंह के पास इतनी हिम्मत नहीं कि क्रूर सिंह को किसी नियम में बांध सके। खोलो दरवाजा। ठीक है, मैं आपकी जिम्मेदारी पर दरवाजा खोल देता हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया, क्योंकि मुझे इसी वक्त फौरन हिम्मत से मिलना है। क्या फिर? लाखन। क्रूर सिंह जी, आप? हाँ मैं। क्यों, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? लेकिन वो अभी अभी तो आप इस द्वार से अंदर गए थे। क्या? मैं अंदर गया था, अभी वो मैं नहीं था। तो फिर वो कौन था? वो दुश्मन अय्यार होगा। लेकिन वो आपकी शक्ल में? अबे अय्यार किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है, तो दुश्मन अय्यार मेरी शक्ल का फायदा उठा गया। तुम फौरन जाओ, हिम्मत सिंह और बलरत खान को खबर करो। जाओ जी। नजीब आमिर, मैं साथ आओ। इस वक्त सूर्या का महल में न होना मुझे बेहद खल रहा है। पन्नालाल, क्या सूर्या महल में मौजूद है? क्यों, तुम्हें अपने मतलब की सभी बातों की जानकारी तो बहुत पहले रहती है। ताज्जुब है, तुम्हें महल के इतने बड़े अहदेदार के बारे में कोई खबर नहीं। और तुम्हें तो हमसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सूर्या शनि की तलाश में गया हुआ है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि शायद वो वापस लौट आया होगा। अगर वो लौट आया होता तो महल में मौजूद दुश्मन अब तक हमारे काबू में होता, समझे? वजह फरमाया।
ठीक बताया। अब मैं सूर्या के भेष में इस महल से बिना रोक टोक के निकल जाऊंगा। और अब सूर्या सूर्या जी प्रणाम सूर्या जी। तुम कब लौटे? आज ही लौटा। मैं तुम्हें महल में मचे इस उपद्रव की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, यानी यहाँ के हालात के बारे में। पन्ना, मैं अभी पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ और इस संदर्भ में मुझे पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो इस संकट पर काबू पाने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना है क्या? और सूर्या, हमारे लिए क्या आदेश है? ये तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। और जहाँ तक इस संकट को काबू में लाने की योजना का सवाल है, अगर कोई योजना है तो मुझे भी बताओ। नहीं, इसकी सफलता के लिए यही मुनासिब होगा कि मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूं। और हाँ पन्ना, मुझे तुमसे अपनी योजना के मुताबिक कुछ जरूरी जानकारी लेनी है। बोलो सूर्या, तुम क्या जानना चाहते हो? अकेले में पन्ना, मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं तुम्हारा मुख्य द्वार पर इंतजार करूंगा। ठीक है, बोलो सूर्या, ऐसी कौन सी जानकारी तुम्हें हासिल करनी है जिसके लिए तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते हो? पन्ना, पंडित जी ने मुझे बताया कि महल से निकलने का एक महफूज पोशीदा रास्ता है जिसकी जानकारी सिर्फ तुम्हारे पास है। हाँ, उस पोशीदा रास्ते के बारे में मुझे बद्रीनाथ जी ने बताया था। और शायद उसी रास्ते के जरिए उस भैरव के सूर्या ने शनि को फरार करने में मदद की थी। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? पंडित जी ने मुझे बताया। हाँ, तो ठीक है, लेकिन सूर्या, तुम उस पोशीदा रास्ते के बारे में जानना क्यों चाहते हो? ये मेरी योजना की सफलता के लिए। मैं तुम्हें उस पोशीदा रास्ते के बारे में बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस राज को तुम अपने तक सीमित रखोगे। आओ मेरे पास। मेरी कामयाबी अब इस राज पर आधारित है और उम्मीद करता हूँ कि इस राज को तुम अपने तक सीमित रखोगे। आओ मेरे साथ। मेरी कामयाबी अब इस राज पर आधारित है। सूर्या, ये रहा वो पोशीदा रास्ता। और इसे खोलने की तरकीब? इसके खोलने की तरकीब? ये रहा वो रास्ता। पन्ना, हाँ, इस सुरंग के जरिए दुश्मन महल के किस छोर तक पहुंच सकता है? महल की उत्तरी सरहद के बाहर। अब इस सुरंग की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है सूर्या, तुम ये जिम्मेदारी संभालो। महल के मुख्य द्वार पर रामनारायण मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं वहां चलता हूँ। ये सुरंग ही नहीं, मेरी आजादी का परचम है।
अब क्या मुमकिन है ये मैं बताऊंगा। सूर्य का रास्ता कोई भैरूपिया नहीं रोक सकता। भैरूपिया कौन है ये तत्काल जाहिर हो जाएगा इस तलवार की जोर से। क्या समझा था कि सूर्य की शक्ल इख्तियार करके तुम महल से फरार हो जाओगे? कौन फरार होना चाहता है इसका फैसला भी हो जाएगा। ताज्जुब की बात है हिम्मत सिंह, हमारी सख्त सुरक्षा प्रबंध के बावजूद भी दुश्मन अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। महल का कोना कोना सील बंद है, फिर भी यह यार चकमा दे रहा है। चलो हिम्मत सिंह, वैसे तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि दुश्मन अभी तक तुम्हारे कब्जे में नहीं आया। उसकी वजह है पंडित जी। वजह जो भी हो बरकत खान, पंडित जी अपनी अय्यारी के कर्तव्य की वजह से वो बार बार भेज बदल लेता है। हिम्मत सिंह, बरकत खान आदेश पंडित जी, एक बात ध्यान में रखना, महाराज के शिकार से लौटने से पहले पहले हमें उस दुश्मन अय्यार को अपने कब्जे में करना है। ऐसा ही होगा पंडित जी। जी पंडित जी। देखो तुमने, अब तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो। ये शर्तिया सूर्य की शक्ल में बादल ही है, तभी तो असली सूर्य से इतनी यात्रा दे रहा है। सुनो, तुम अपने राज और अपनी पहचान मेरे हवाले करो। नहीं सूर्य, यह ऐसा नहीं बोलेगा, इसकी तकलीफें और बढ़ानी होंगी। बल्लू, यातना चक्र को सक्रिय करो। बताओ तुम्हारा सरगना कौन है? मैं नहीं जानता। बताओ तुम्हारे सरगना का पता क्या है? मैं नहीं जानता। बताओ तुम्हें चुनालगढ़ किसने भेजा और तुम्हारा आने का मकसद क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। वो मेरी अय्यारी का यंत्र तुम्हारे पास है? नहीं। जिसे तुमने मेरे कक्ष से गायब किया है? नहीं। बताओ वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। यातना चक्र को चक्र दो। नहीं।
एक बार फिर से। बताओ अपनी सरगना का नाम। मैं नहीं जानता। बताओ अपनी पहचान। मैं नहीं जानता। चाहे तुम मेरी जान ले लो, मैं नहीं बता सकता। तुम्हारी ये वफादारी टूट के रहेगी। बल्लू यातना चक्र को चक्र दो। बादल तो यात्रा के बहुत बड़े दुष्चक्र में फंस गया है। सूर्य, इसके चेहरे में तब्दीली आ रही है। इसका चेहरा तो पथरीला हो रहा है। हाँ, लेकिन सूर्य क्या हो रहा है? बस देखते जाओ। लेकिन सूर्य, इस स्थिति में तो कोई भी राज बताने के काबिल नहीं रहेगा। ये बोलेगा।